शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। मैम आप होस्ट हैं मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं वैद्य सुजाता स्वागत करती हूँ आप सभी का आयुष दर्पण के इस सत्र में, चरक विवेचन चरक पाठ नामक इस सत्र में। आज फिर से हम जुड़ चुके हैं चरक पाठ करने के लिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जहाँ से आप चरक को पढ़ पाएंगे। जी मुझे उम्मीद है आप चरक पाठ अभी कर पाएंगे। यदि आप में से कोई भी चरक पाठ करना चाहते हो मेरे साथ तो कृपया बताएं। चरक पाठ करने में कोई भी रुचि रखते हो तो कृपया बताएं। डॉक्टर आर के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर रितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजना दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन दुबे जी नमस्कार सर। नेहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आप में से कोई भी यदि चरक पाठ करना चाहते हैं तो कृपया बताएं। और भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद जी जुड़े हैं, डॉक्टर अंजना जी जुड़ी हैं, डॉक्टर गीता बेनीवाल जी जुड़े हुए हैं, दीपिका कुंवर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीमा शर्मा जी जुड़े हैं,
आप में से कोई भी यदि चरक पाठ करना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अभी रसायन चिकित्सा जो अध्याय है, रसायन अध्याय जो है चिकित्सा स्थान में, वो हमारा चल रहा है। और आज हम रसायन सेवन की विधियों पर चर्चा करेंगे। रसायन सेवन की विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं जी? तो ये पूरा अध्याय अनुष्टुप छंद में है, मैं इसका पाठ करती हूँ। कृपया ध्यान से सुने और सभी साथ में मन में इसका पाठ जरूर करते रहें। चिकित्सा स्थानम अभयामलकीय रसायन पादः अथातो भयामलकीयं रसायन पादं व्याख्यास्यामः इतिहस्माह भगवानात्रेयः चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनमौषधं प्रायश्चित्तं प्रशमनं प्रकृतिस्थापनं हितं विद्याद्भेषजनामानि भेषजं द्विविधं च तत् स्वस्थस्योर्जस्करं किञ्चित् किञ्चिदार्तस्य रोगनुत् अभेषजं च द्विविधं बाधनं सानुबाधनं स्वस्थस्योर्जस्करं यत्तु तद्वृष्यं तद्रसायनं प्रायः प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमेमतं प्रायः शब्दो विशेषार्थो युभयं युभयार्थकृत् दीर्घमायुः स्मृतिं मेधाम। ये श्लोक हम सभी को याद करना था क्योंकि ये बहुत ही उत्तम श्लोक है। रसायन के जो फल हैं उनको हमेशा याद दिलाने वाला ये श्लोक रहेगा। महान फल जो रसायन के होते हैं तो इसको हमें अवश्य याद कर लेना चाहिए। दीर्घमायुः, इसको बिना देखे बोलने का प्रयास करेंगे 3 बार। दीर्घमायुः स्मृतिं मेधाम् आरोग्यं तरुणं वयः प्रभावर्णस्वरौदार्यं देहेन्द्रियबलं परं वाक्सिद्धिं प्रणतिं कान्तिं लभते नारसायनात् लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्। दीर्घमायुः स्मृतिं मेधाम् आरोग्यं तरुणं वयः प्रभावर्णस्वरौदार्यं देहेन्द्रियबलं परं वाक्सिद्धिं प्रणतिं कान्तिं लभते नारसायनात् लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्। एक बार फिर से पाठ करने का प्रयास करेंगे। दीर्घमायुः स्मृतिं मेधाम् आरोग्यं तरुणं वयः प्रभावर्णस्वरौदार्यं देहेन्द्रियबलं परं वाक्सिद्धिं प्रणतिं कान्तिं लभते नारसायनात् लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्। वाजीकरण की परिभाषा वाला जो ये श्लोक है, श्लोक संख्या 9 से 12, इसको भी हमें याद करना चाहिए। इसको भी हम 2 बार पाठ करेंगे। अपत्य संतान करम यत् सद्यः संप्रहर्षणम् वाजीवातिबलो येन यात्य प्रतिहतः स्त्रियः भवत्यतिप्रियः स्त्रीणां येन येनोपचीयते जीर्यतोप्यक्षयं शुक्रं फलवत्येन दृश्यते प्रभूतशाखः शाखीव येन चैत्यो यथा महान् भवत्यर्च्यो बहुमतः प्रजानां सुबहुप्रजः सन्तानमूलं येनेह प्रीत्य चानन्त्यमश्नुते यशः श्रियं बलं पुष्टिं वाजीकरणमेव तत्। फिर से पाठ करेंगे। अपत्य संतान करम यत् सद्यः संप्रहर्षणम् वाजीवातिबलो येन यात्य प्रतिहतः स्त्रियः भवत्यतिप्रियः स्त्रीणां येन येनोपचीयते जीर्यतोप्यक्षयं शुक्रं फलवद्येन दृश्यते प्रभूतशाखः शाखीव येन चैत्यो यथा महान् भवत्यर्च्यो बहुमतः प्रजानां सुबहुप्रजः सन्तानमूलं येनेह प्रीत्यचानन्त्यमश्नुते यशः श्रियं बलं पुष्टिं वाजीकरणमेव तत्। स्वस्थस्योर्जस्करं त्वेतद्विविधं प्रोक्तमौषधं यद्व्याधिनिर्घातकरं वक्ष्यते तच्चिकित्सिते चिकित्सितार्थ एतावान् विकाराणां यदौषधं रसायनविधिश्चाग्रे वाजीकरणमेव च अभेषजमिति ज्ञेयं विपरीतं यदौषधात् तदसेव्यं निषेव्यं तु प्रवक्ष्यामि यदौषधम्।
यहाँ तक का पाठ हमारा हो चुका है। यदि किसी किसी का भी पाठ यदि यहाँ तक छूटा हो तो कृपया जो YouTube चैनल है आयुष दर्पण का या आयुष दर्पण जर्नल जो Facebook पेज है वहाँ से जाकर इसको पूरा अवश्य कर लें। आज हम आगे जो और अमृत रूपी सूत्र हैं चरक के उन पर चर्चा करेंगे। रसायन के गुणों को तो हम जान चुके कि रसायन कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमें 100 साल तक जीने के लिए बल देगी, जो हमें 100 साल तक ना केवल जीने के लिए बल्कि हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए बल देगी। तो ऐसी एक विद्या रसायन विद्या है। उस रसायन विद्या में कुछ औषधियों का सेवन करना होता है, कुछ आचरण का सेवन करना होता है और कुछ विहार रूपी भी कुछ बातें हैं जो आज हम समझेंगे कि वो जो रसायन है वो वास्तव में उसमें हमें क्या क्या करना है ताकि हम हमेशा स्वस्थ रह सकें। कैंसर इत्यादि जो बड़ी व्याधियां हैं उनका हमारे शरीर में जो है शरीर में वो ना आ सकें बिल्कुल भी, इस तरीके का कोई जो उपाय है वो रसायन विद्या है। तो आचार्य कहते हैं रसायनानां द्विविधम्। रसायन सेवन किंतु करने हमें जितना उत्तम फल उसका चाहिए उसी तरीके से हमें रसायन सेवन करना पड़ेगा। रसायन सेवन के दो तरीके हो सकते हैं, एक सामान्य तरीका कि हम अपने रोजमर्रा के काम करते हुए रसायन सेवन करें और एक दूसरा तरीका कि हम सब कुछ छोड़ करके केवल एक बार रसायन सेवन पर ही बल दें। तो आचार्य कहते हैं रसायनानां द्विविधम् प्रयोगम् ऋषयो विदुः। ऋषयः ऋषि लोग रसायनानां रसायनों के द्विविधम् प्रयोगम् विदुः दो प्रकार के प्रयोग जानते हैं बतलाते हैं। जो हमारे ऋषिगण हैं वे रसायन रसायन सेवन के या रसायनों के प्रयोग के दो प्रकार बतलाते हैं। कहते हैं कुटी प्रावेशिकम चैव वातातपिकमेव च। पहला जो तरीका है वो कुटी प्रावेशिक प्रयोग है रसायन सेवन का। कुटी कुटी में कोई कुटी हमें बनानी है उसमें प्रावेशिक प्रवेश कर लेना है। और दूसरा जो तरीका है वातातपिकम, वात यानी वायु और आतप यानी धूप। तो नीचे टीका में आचार्य चक्रपाणी जी ने लिखा वातातप सेवया यत क्रियते। वात हवा और आतप धूप, इनके सेवया सेवन करते हुए इन दोनों का सेवन करते हुए यत क्रियते जो काम किया जाए उसी काम को कहेंगे वातातपिक। यानी हम डेली अपने काम पे जा रहे हैं, हम हमारी टीचिंग की जॉब है, हमारी कोई ऑफिस जॉब है या हम विद्यार्थी हैं तो हमें नित्य प्रति अपने काम पर जाना पड़ेगा। धूप का भी सेवन उस दौरान होगा, वायु का भी सेवन उस दौरान होगा। तो हम अपने रोजमर्रा के काम करते हुए नित्य प्रति के अपने काम करते हुए जब रसायन का सेवन करें तो उसी रसायन को वातातपिक रसायन के उस प्रयोग को वातातपिक रसायन प्रयोग कहा गया। और कोई विशेष कुटी में हम प्रवेश करें सारी दुनिया को भूल करके अपने सभी कामों को भूल करके तो उस रसायन सेवन के प्रयोग को कुटी प्रावेशिक प्रयोग कहा गया। एक बार फिर से हम पूरा श्लोक पढ़ते हैं रसायनानां द्विविधम् प्रयोगम् ऋषयो विदुः। ऋषिगण रसायन प्रयोग के दो प्रकार बताते हैं, एक कुटी प्रावेशिक प्रकार और एक वातातपिक प्रकार। तो सबसे पहले हम कुटी प्रावेशिक प्रकार को सीखेंगे। आज इस तरीके के चिकित्सालय जो है नहीं उपलब्ध हैं लगभग या बहुत ना के बराबर उपलब्ध हैं जो कि कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन सेवन की सुविधा देते हों। तो ये एक बहुत अच्छा चरक का कॉन्सेप्ट भी है कि हम कुटी कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन सेवन कराना आरंभ करें यदि हम एक चिकित्सक हैं तो। उसमें हमें करना क्या क्या है वो अभी हमें शास्त्र बताएगा। शास्त्र में लिखा गया कुटी प्रावेशिकस्यादौ विधि समुपदेक्षते। जो कुटी प्रावेशिक प्रयोग है रसायन का उसकी आदौ सबसे पहले विधि विधि समुपदेक्षते सम्यक प्रकार से बताई जाएगी। सबसे पहले कुटी प्रावेशिक तरीके से रसायन सेवन की विधि बताई जाएगी। अब इसमें हमें करना क्या है नृप वैद्य द्विजाती नाम साधूनाम पुण्य कर्मणाम निवासे निर्भये शस्ते प्राप्योपकरणे पुरे। सबसे पहले हमें भूमि का चयन करना है।
कि हम जो कुटी बनाने जा रहे हैं, जो हम एक विशेष घर बनाने जा रहे हैं रसायन सेवन के लिए, या जो एक विशेष चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं, या चिकित्सालय की कोई एक विशेष यूनिट बनाने जा रहे हैं हम, तो उस का निर्माण कहाँ पर किया जाए? तो ये कहते हैं निर्माण एक पुण्य भूमि में, पुण्य कर्मा जो लोग रहते हैं, उत्तम जो लोग रहते हैं, ऐसे स्थान पर उसका निर्माण करना चाहिए। नृप, वैद्य और द्विजाति, जहां वैद्य रहते हों, जहां नृप राजाओं का निवास हो, जहां द्विजाति रहते हों, द्विजाति दूसरा जन्म जिनका हो, दूसरा जन्म जब वेद पाठ करते हैं तो विशेष ज्ञान हमें होता है, और विशेष ज्ञान के होने के उपरांत तो उसे दूसरा जन्म नाम दिया जाता है। प्राचीन काल में ब्राह्मण गण जो थे, उनका विशेष कार्य ये होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी वेद पाठ करना, वेदों को समझना, उनका प्रचार प्रसार करना। तो इसलिए ब्राह्मणों को द्विजाति की संज्ञा दी जाती थी। तो द्विजाति दूसरा जन्म जिनका हुआ हो, जो जिन्होंने विशेष वेदों का ज्ञान प्राप्त किया हो, वे सभी लोग द्विजाति कहलाएंगे। तो ऐसे जगह पर हमें कुटी बनानी है जहां पर नृप राजा जहां पर भी रहेंगे वहां पर भय नहीं होता। तो इसलिए जहां राजा का निवास हो उसके आसपास हमें कहीं कुटी बनानी चाहिए, या जहां वैद्य रहते हो तो वैद्यों को भी आयुर्वेद में या हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार, हम आयुर्वेद में देखेंगे तो बार बार वर्णन आता है कि वैद्यों की पूजा करके, ब्राह्मणों की पूजा करके, राजा से अनुमति लेकर के, राजा की पूजा करके, या देवताओं की पूजा करके, तो वहीं पर वैद्य नाम भी शामिल किया जाता है। तो वैद्य प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं समाज के, उनमें वैद्यों को शामिल किया जाता है, क्योंकि वो ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। तो एक वैद्य होने के नाते हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि उत्तम से उत्तम ज्ञान हम प्राप्त करें, और ना केवल ज्ञान प्राप्त करें, हमारा आचरण अति उत्तम हो, ताकि समाज के लिए पूजनीय हम बन सकें, समाज को एक उत्तम दिशा हम दे सकें, उत्तम मार्ग पर हम लेकर के आए समाज को। यदि हम एक वैद्य हैं और स्वयं हमारी दिनचर्या उत्तम नहीं है, चरक के जो आचरण की बातें जो बताई गई हैं चरक में, इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में या अन्य भी अनेक स्थानों पर, यदि वो आचरण हम स्वयं फॉलो नहीं करेंगे, हमारे स्वभाव में सौम्यता नहीं होगी, हमारे स्वभाव में निरंतर अध्ययनशीलता वाली बात नहीं होगी कि हम निरंतर अध्ययन, पठन पाठन और उत्तम बातों को सिखाना, वो सभी यदि हम स्वयं नहीं करेंगे तो हम भी इन वैद्यों की कोटि में नहीं आएंगे जो वैद्य पूजनीय बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो हमें वो कुटी ऐसे स्थान पर बनानी है जहां पर चोरी चकारी मार काट या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, इस तरीके की जगह वो नहीं होनी चाहिए। शांत और सेफ वो स्थान होना चाहिए, सुरक्षित एवं शांत स्थान होना चाहिए, और उस स्थान के आसपास उत्तम लोगों का निवास हो, उत्तम लोगों का निवास हो जो धनाढ्य भी हो, जो ज्ञान से भी परिपूर्ण हो, जिनका आचरण उत्तम हो, जिनके रहते उस स्थान पर गलत काम ना होते हो। तो ऐसे साधु नाम, साधुओं के उत्तम जो सज्जन लोग हैं उनके, और पुण्य कर्म नाम जो पुण्य करते हो, पुण्य यानी जैसे सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य यम नियम, इन सभी का जो पालन करते हैं, दूसरों का भला करने में जो लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे किसी समाज में, किसी नगर में, किसी स्थान में, किसी गांव में, इस तरीके का स्थान हमें देख करके, निवासे इनके निवासे जहां जहां पर ये लोग निवास करते हो, कौन नृप निवासे, वैद्य निवासे, द्विजाति निवासे, साधु नाम निवासे, पुण्य कर्म नाम निवासे, तो नृपानाम निवासे, वैद्यानाम निवासे, प्रत्येक के साथ ये पीछे जुड़ जाएगा, द्विजाति नाम निवासे, साधु नाम निवासे और पुण्य कर्म नाम, पुण्य कर्मा लोगों के निवासे, निवास स्थान में, और निर्भये जहां भय ना हो कोई, ऐसे स्थान में, शस्ते जो उत्तम स्थान हो जहां पर हमें रहकर ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती हो, और साथ ही प्राप्योपकरण, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो उपकरण हमें चाहिए भवन निर्माण के लिए या बाद में सुचारू रूप से
उन गतिविधियों को चलाने के लिए जो भी हम पंचकर्म कराएंगे अंदर या जो हम औषधि देंगे, तो वो उपकरण भी हमें प्राप्त हो वहां पर। बहुत दुर्गम स्थान में भी नहीं बनाना है जहाँ उपकरणों को पहुंचाना संभव ना हो। तो प्राप्योपकरणे पूरे पूरे यानी इस प्रकार के नगर नगर में या गांव में या स्थान में हमें दिशि पूर्वोत्तरस्याम पहले भूमि का चयन करना चाहिए, और वो भूमि भी विशेष करके भूमि का जो भाग हमें चयनित करना है कुटी बनाने के लिए, वो पूर्व और उत्तर की दिशा का हमें चयन करना है। तो पूर्व और उत्तर की दिशा का स्थान लगभग आग्नेय कोण, पूर्व और उत्तर और आग्नेय कोण, ये तीनों ही कोण हमें मिलते हैं, जो विशेष करके हमारे हमारी रसोई घर का भी स्थान होते हैं, जो हमारे पूजा का भी स्थान होते हैं। तो इस तरीके के कोण में जो हम जमीन का टुकड़ा हम लेंगे या जिस भूमि पर हम बनाएंगे वो चौकोर होगी, उस चौकोर में हम दिशाओं को देखेंगे, और दिशाओं में जो उत्तर और पूर्व की दिशाएं हैं उस स्थान में हम रसायन सेवन, क्योंकि रसायन सबसे उत्तम फल को देने वाला है, तो हम हमारे चिकित्सालय की जो बाकी यूनिट्स हैं हम वो बाकी दिशाओं में हम बनाएं। जैसे कोई रसोई घर बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा किसी दूसरे एरिया में बनाएं, या स्नान घर बना रहे हैं तो वो स्नान घर की दिशाएं, प्रत्येक की दिशाएं अलग अलग बताई गई हैं। जैसे स्नान घर को उत्तर पश्चिम दिशाओं में बनाना ठीक रहता है, या जल के कार्य करना उत्तर पश्चिम दिशाओं में ठीक रहता है, या दक्षिण पश्चिम दिशा में भी जल के कार्य किए जा सकते हैं। जल के संचय का जो कार्य किया जाता है वो उत्तर पूर्व दिशा में किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक कार्य के लिए दिशाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, उन्हीं दिशाओं के वर्णन के अनुरूप हमें आगे अपने कार्य को बढ़ाना चाहिए। तो पूर्व और उत्तर की दिशा में सुभूमऊ भूमि भी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि वहां पर कुछ झाड़ झंखाड़ है या कचरा वहां पर डाला गया था पहले कभी, तो इस तरीके की मलिन भूमि नहीं होनी। सुभूमऊ उत्तम भूमि में कार्यत कुटी बनानी चाहिए। अब वो कुटी कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं विस्तारोत्सेद संपन्ना, छोटी मोटी कुटी नहीं होनी चाहिए, विस्तार और उत्सेद चौड़ाई उसकी खूब होनी चाहिए, ऊंचाई उसकी खूब होनी चाहिए कि व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करे तो उसे घुटन महसूस ना हो, खुला खुला महसूस हो, तो उसमें स्पेस काफी होना चाहिए, विस्तार और उत्सेद से संपन्न होनी चाहिए, काफी स्पेशियस वो होनी चाहिए अंदर से, और ऊंचाई भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो विस्तार और उत्सेद से वो कुटी संपन्न होनी चाहिए। त्रिगर्भाम सूक्ष्म लोचनाम, और साथ ही तीन गर्भ वाली वो कुटी होनी चाहिए। तीन गर्भ वाली कुटी यानी जो पहला हम हिस्सा बनाएंगे कुटी का, उसके भीतर एक और गर्भ बनाना चाहिए, गर्भ यानी कक्ष बनाना चाहिए, कक्ष यानी हॉल जैसा हम बना सकते हैं पहले एक, जैसे कि पुराने जमाने में बनाया जाता था, चार दीवारी की जाती थी, चार दीवारी के अंदर कुछ एक तिबारी, आज भी राजस्थान में उसको बोलते हैं तिबारी नाम से जाना जाता है, तो यानी एक लंबा सा कुछ एरिया बनाया जाता था, उसके गेट लगाए जाते थे और खिड़कियां लगाई जाती थी और उसके अंदर कमरे बनाए जाते थे छोटे छोटे। तो राजस्थान के यदि आप हवेलियां या घर देखेंगे तो ये विधा पहले से प्रचलित थी, तो उस एक कोष्ठ के अंदर बाकी छोटे छोटे कोष्ठ या कमरे बनाए जाते थे। तो ऐसा ही हमें करना है, पहले एक बड़ी चार दीवारी बनानी है, उसके भीतर हम कुछ प्रांगण बना सकते हैं अपना, कुछ एरिया बना सकते हैं, कुछ पूजा का स्थान रख सकते हैं और कुछ बैठने का स्थान रख सकते हैं, संगीत आदि के लिए कुछ बना सकते हैं जहां आप संगीत चला सकें, लोग बैठ करके विश्राम कर सकें, या प्राणायाम आदि के लिए कुछ सुंदर स्थान बना सकते हैं। फिर उसके बाद भीतर एक तिबारी जैसा कुछ बना करके और अंदर हम प्रकोष्ठ बना सकते हैं, कमरे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से तीन गर्भ उसके होने चाहिए। आयुर्वेद में एक गर्भ गृह का वर्णन भी आता है, तो गर्भ गृह वही होता है जहां पर सीधी हवा ना लगे, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए लेकिन सीधी हवा ना लगे, वो कक्ष किसी के भीतर हो, अंदर का कक्ष हो। तो इस प्रकार से तीन गर्भ वाली वो कुटी हमें बनानी चाहिए। और सूक्ष्म लोचनाम, ये नहीं कि उसको हमें बंद करना है पूरा, छोटे छोटे लोचन, लोचन यानी नेत्र या झरोखे उसमें होने चाहिए, जिन झरोखों से आप राजस्थान की हवेलियां देखिए, ऊपर दीवारों में छोटे छोटे झरोखे बहुत सारे दिए जाते थे, पहला झरोखा, दूसरा झरोखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो एक लंबी दीवार में कई झरोखे होते थे।
और उनमें जाली लगा दी जाती थी और उनसे बहुत तेज हवा नहीं आती थी, लेकिन वेंटिलेशन हमेशा रहता था उनसे। आजकल जैसे हम कांच की खिड़कियां एकदम फिक्स ग्लास लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम एसी लगाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा जो हमारे शास्त्र ने भवन निर्माण का भी एक तरीका बताया है कि कैसे उसमें वायु का संचार प्रभूत मात्रा में रहे, कैसे जो है वायु की पूर्ति, यदि वायु का संचार प्रभूत मात्रा में रहता है, क्रॉस वेंटिलेशन रहता है, तो इस पर अनेक रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी हैं कि उसमें व्यक्ति का मन प्रसन्न अधिक रहता है, व्यक्ति अधिक स्वस्थ रहता है। तो हमें इस तरीके की कुछ कुटी बनानी है, उसे बंद नहीं करना पूरा, प्राकृतिक हवा आने देनी है, हालांकि आजकल वातानुकूलित लोग करते हैं, किंतु उससे भी अधिक उत्तम ये होगा कि हम प्राकृत वायु का संचार उसमें होने दें, तो सूक्ष्म लोचन हम उसमें बनाएं, छोटे छोटे झरोखे हम उसमें बनाएं, और उसकी दीवारें जो होनी चाहिए घन भित्तिम, घन यानी सघन दीवार होनी चाहिए। तो जैसे पुराने जमाने में जो हवेली इत्यादि बनाई जाती थी उनकी दीवारें बहुत मोटी होती थी और खास करके पत्थर की बनी होती थी, घन भित्ति, भित्ति घन हो तो इधर से उधर का शोर एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ में ध्वनि संचार ना हो, और साथ ही जो बाहरी जो वातावरण है बहुत अधिक ठंड का होना या बहुत अधिक गर्मी का होना, उसको भी ये घन भित्तियां जो है उसका प्रभाव भीतर ना होने दें। घन भित्ति मोटी, और घन भित्ति का अर्थ केवल मोटी होना नहीं बल्कि उसमें सघनता, पत्थर में सघनता अधिक होती है, तो यदि हम इसको पत्थर का बनाएंगे तो भीतर बहुत अधिक ठंड या बहुत अधिक गर्मी नहीं लगती। और ऐसा गांव में जो हवेलियां आज भी स्थित हैं या जो बड़े बड़े फोर्ट हम देखते हैं कई बार, उनको उनके निर्माण को यदि हम देखेंगे तो वो बहुत सुंदर तरीके से इसी तरीके से लगभग वो बनाए गए हैं। तो प्राचीन काल में राजाओं को के पास इस तरीके के लोग होते थे जो शास्त्र का विवेचन करते थे और शास्त्रों में लिखे हुए इस गूढ़ ज्ञान को ध्यान में रखकर ही वे भवन निर्माण करते थे। तो घन भित्तिम ऋतु सुखाम, प्रत्येक ऋतु के लिए सुख कर हो, ऐसा नहीं कि वेंटिलेशन ना हो उसमें, गर्मी में समस्या हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि सर्दी में बहुत ठंड आए वहां पर। तो इस प्रकार से जैसे फिक्स ग्लास आजकल हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो है ठंड भी ज्यादा आएगी और यदि धूप निकलेगी तो धूप भी तेज आएगी, तो कहीं ना कहीं वो भारत के लिए नहीं है। विदेशों में क्या होता है कि ठंड बहुत पड़ती है तो सूरज की किरणों को अधिक से अधिक लेने के लिए वहां पर फिक्स ग्लास लगाए जाते हैं। तो लेकिन भारत का वातावरण वैसा नहीं है, यहाँ जो सर्दी पड़ती है लगभग भारत के अधिकांश हिस्से में सर्दी या जो गर्मी पड़ती है वो कुछ इस तरीके की है कि यदि हम घर को ही उत्तम तरीके से बना लें तो ना हमें एसी की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही हमें उसमें बहुत अधिक गर्मी लगेगी, उसको प्राकृतिक तरीके से बहुत सोच समझ कर बनाया जा सकता है कि वो प्रत्येक ऋतु के लिए सुखकर हो सके। तो घन भित्ति वाला हमें उसको बनाना है, और ऋतु सुखाम, प्रत्येक ऋतु के लिए सुख करो ऐसा बनाना है। सुस्पष्टाम मनसा प्रियाम, सुस्पष्ट देखते ही जो है प्रत्येक हिस्सा उसमें हमें स्पष्ट तौर पर समझ आए कि इस घर को हमने कैसे बनाया है। कई बार किसी किसी घर में हम भीतर जाते हैं तो मन हमारा प्रसन्न नहीं हो पाता और बहुत अधिक जो है देख करके हमें चीजें समझ नहीं आ पाती उस घर में कि ये हिस्सा क्यों बनाया होगा, यहाँ इसको ऐसे क्यों बना दिया। तो सुस्पष्ट होनी चाहिए वो जो निर्माण है, वो सुस्पष्ट होना चाहिए। मनसा प्रियाम, मन को प्रिय लगना चाहिए वो स्थान, वहां अंदर भीतर जाके मन खुश हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें उस कुटी को बनाना है, और सिर्फ बनाने पर बल नहीं देना, आगे कहते हैं कि उस कुटी में ऐसी व्यवस्था भी करनी है कि शब्दादीनाम अशस्तानाम अगम्याम, शब्दादीनाम अशस्तानाम, जो अशस्त यानी जो अच्छे नहीं है, उत्तम नहीं है, शब्द आदि उत्तम नहीं है, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब चीजें वो उसमें प्रवेश ही ना कर सके। कोई बाहर लड़ाई हो रही है या कुछ गलत शब्द या ध्वनियां यदि निकलती हैं तो वो कुटी इस प्रकार से बनानी चाहिए कि वो जो भीतर भीतर के जो गर्भ हैं वहां तक वो शब्द, वो रूप विकृत, कोई वस्तु, वो विकृत रस, गलत खान पान भी वहां पर ना जाए,
जो खानपान हम निर्धारित करेंगे उत्तम कोटि का, वही खानपान ऑर्गेनिक हो, उसका रस आदि बहुत उत्तम हो, वही खानपान इन लोगों के लिए जाना चाहिए जो कि रसायन कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन सेवन करने आए हैं हमारे पास। तो अशस्तानाम, अशस्त यानी जो उत्तम नहीं है, ऐसे शब्द आदि उसके भीतर नहीं जाने चाहिए, अगम्याम वो उसके भीतर जाने ही नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए कुटी प्रावेशिक विधि में। स्त्री विवर्जिताम, तो स्त्री से विवर्जित हो वो स्थान, यानी यदि कोई स्त्री रसायन सेवन करने जाती है तो पुरुष से विवर्जित हो वो स्थान, और पुरुष रसायन सेवन करने जाते हैं तो स्त्री से विवर्जित हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ शास्त्र हमें रसायन सेवन काल में ब्रह्मचर्य अपनाने को का उपदेश कर रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था उस कुटी में होनी चाहिए। आगे कहते हैं इष्टोपकरणों पेताम, इष्ट उपकरण जितने भी होते हैं रसायन सेवन के लिए वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो इष्ट उपकरणों से युक्त हो, एक रसोई घर उसमें पृथक से हो, और अन्य भी अनेक चीजें जो आगे अभी हम समझेंगे उन सभी उपकरणों से युक्त होने चाहिए। सज्ज वैद्योषध द्विजाम, और उस कुटी में सज्ज वैद्य हमेशा हो, वैद्य सज्ज होकर रहे, यानी वैद्य हमेशा अवेलेबल हो, उपस्थित हो, ताकि कभी भी रसायन सेवन करने, कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन सेवन करने वाले जो लोग हैं उनको कभी भी कोई समस्या होती है तो वैद्य द्वारा उन समस्याओं का हल कराया जा सके। तो उत्तम वैद्य, समझदार वैद्य उसमें हमेशा रहने चाहिए, तो यानी उस कुटी के पास ही हमें वैद्यों के रहने की भी व्यवस्था करनी है, या एक कमरा भीतर हमें वैद्य के लिए भी बनाकर देना है। औषध द्विजाम, औषध गृह भी एक वहां होना चाहिए, प्रत्येक प्रकार की औषध वहां पर हो, तो कोई भी औषध जो हमें चाहिए वो सज्ज सज्ज यानी तुरंत अवेलेबल हो जाए हमें, तो वैद्य वहां पर हमेशा रहे, औषध वहां पर हमेशा रहे, और द्विजाम ब्राह्मण वहां पर हमेशा रहे जो कि उत्तम ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे, जो यज्ञ आदि करवाए प्रतिदिन, तो इस तरीके की व्यवस्था उस कुटी में। ये कुटी एक हवेली सदृश होगी, बड़ी हवेली, कोई छोटा मोटा कमरा नहीं होगा जहाँ भीतर ही भीतर सभी व्यवस्थाएं होंगी, तो व्यक्ति उसके बाहर ना जाए, वहां पर अपने सभी कार्य करे सुचारू रूप से, और सभी कार्य करके जो है रसायन सेवन करता रहे। तो शब्दादी नाम अशस्तानाम अगम्याम स्त्री विवर्जिताम इष्टोपकरणोपेताम सज्ज वैद्योषध द्विजाम अथोदगयने शुक्ले। अब फिर हमें आगे क्या करना है, उस व्यक्ति को उदगयने उत्तरायण काल में, और उसका भी शुक्ल पक्ष हमें देखना है, उस शुक्ल पक्ष में तिथि नक्षत्र पूजित है, कोई उत्तम तिथि में, कोई उत्तम नक्षत्र के होने पर, जैसे पुष्य नक्षत्र हो या अन्य भी अनेक ऐसे उत्तम नक्षत्र माने जाते हैं, तो उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में उत्तम नक्षत्र में पूजिते, मन में उत्तम भाव को धारित करके या पूजन इत्यादि करके मुहूर्त करणोपेते उत्तम मुहूर्त में उत्तम करण में प्रशस्ते, यानी ये सभी चीजें उत्तम होनी चाहिए, ऐसी ऐसे ऐसे किसी समय को चुन करके कृत वापन, पहले वापन कर्म करवा ले, वापन कर्म करवा ले यानी अपने शरीर को इस प्रकार से जो है वो करवा लें कि बाल कटवा लें, और पुरुष यदि हैं तो क्षौर कर्म सम्यक प्रकार से करवा लें, नाखून इत्यादि काट लें ताकि उन्हें फिर से बाहर ना जाना पड़े, जैसे पहले नाई के पास जाया करते थे, तो यदि वो क्षौर कर्म नहीं करवा के आएंगे, कटिंग वगैरह नहीं करा के आएंगे, तो उन्हें फिर से बाहर जाना पड़ेगा 15-20 दिन महीने भर के अंदर अंदर, तो इसलिए कृत वापन है, आप इस तरीके की अपनी तैयारी करके आओ कि आपको दोबारा बाहर न जाना पड़े। तो मुहूर्त करणो पेते प्रशस्ते कृत वापन धृति स्मृति बलम कृत्वा, अब आपको किसी जबरदस्ती किसी दूसरे के कहने पर नहीं जाना उस कुटी में, आपको स्वयं जाना है, श्रद्धा भाव को धारण करके जाना है कि मैं अपने शरीर में रसायन सेवन के उत्तम गुणों को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, इस भाव के साथ भीतर जाना है, और धृति स्मृति बलम कृत्वा, पहले धृति धैर्य को धारण करें, उस धैर्य को लेकर आए अपने अंदर कि आप भीतर जा करके 1 महीना 2 महीना 3 महीना वहां निवास कर सकते हैं, धृति को स्मृति को और बल को, बल भी ऐसा नहीं कि कोई रुग्ण वहां पर आ जाए, पहले उसके शरीर को हमें स्वस्थ करना है, उसके शरीर में बल हो तब हमें कुटी प्रवेश
प्रावेशिक विधि के लिए उसको अलाउ करना है रसायन सेवन के लिए। तो धृति स्मृति और बल को करके श्रद्ध दान है, श्रद्धा को धारित करके समाहित एकदम एकाग्र चित्त हो करके विधूय मानसान दोषान, और मन के जितने भी दोष हैं, मन के दोष यानी बहुत एंजाइटी में हम हैं, भीतर तो आ गए चिंता हमें हमारे बिजनेस की हो रही है, हमारे धंधे की चिंता हो रही है, हमारे क्लिनिक की चिंता हो रही है, हमारे विद्यालय की चिंता हो रही है, हमारे ऑफिस की चिंता हो रही है, वो सब नहीं करना। विधूय मानसान दोषान, मन के दोषों को छोड़ करके, गुस्सा हमें ज्यादा आता है तो भीतर गुस्सा नहीं करना हमें, मन के दोषों को छोड़ करके, क्योंकि रसायन सेवन का फल हमें तभी मिलेगा जब हम धैर्य से, श्रद्धा से, उत्तम मन के साथ, उत्तम आचरण के साथ उसका सेवन करने के लिए प्रवृत्त होंगे कुटी प्रावेश, क्योंकि कुटी प्रावेशिक विधि में हम रसायन का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो लेंगे। वातातपिक विधि में भी बेनिफिट मिलेगा, पर वातातपिक विधि में हम डेली ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो कभी हमें गुस्सा भी आएगा, कभी चिड़चिड़ापन भी आएगा, तो जो मन के ये जो नेगेटिव भाव हैं वो उस रसायन सेवन के फल को कम कर देते हैं। तो इस कुटी का अर्थ जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक कमरे में व्यक्ति को बंद कर देना है। कुटी का अर्थ है कि बहुत सुंदर हवेली, घर का निर्माण करना है जहां सारी व्यवस्थाएं होंगी, जहां गीत संगीत आदि भी होगा, जहां आप उसको थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं है कि भीतर ही भीतर रहना, हवा बिल्कुल नहीं लग सकती, धूप बिल्कुल नहीं लग सकती। वातातपिक का मतलब है कि आप अपने सारे काम कर रहे हैं, बाहरी काम, रोजमर्रा के काम, यहाँ हमें बाहरी नेगेटिव सभी चीजों से दूर रखना है। जैसे मान लीजिए हम न्यूज चैनल ही चलाते हैं, आज तक चलाया, कुछ और चलाया, तो कितनी सारी नेगेटिव बातें, किसी की हत्या का मामला सुनने में आ जाएगा, किसी की चोरी का आ जाएगा, कोई बलात्कार का मामला सुनने में आ जाएगा, तो उससे मन में मलिनता आती है, कलुषितता आती है, मन का जो वो भाव है वो भाव इस कुटी के भीतर नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने लिखा शब्दादीनाम अशस्तानाम, कि कोई चोरी चकारी हुई, किसी की हत्या हो गई, ये शब्द उस कुटी के भीतर नहीं सुनना चाहिए उस व्यक्ति को। वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ना उस व्यक्ति को लैपटॉप देना है, तो ये नहीं कि वो अंदर बैठ करके अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं या वो अपना कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो उससे चिंता होगी। ऐसे सभी चीजों से हमें काट देना है उस व्यक्ति को, और केवल उत्तम भाव, गीत संगीत, वादन गायन, ज्ञान पाठ करना, यज्ञ पाठ करना, यज्ञ को करना, इन सभी चीजों में बिजी रखना है, और एक सुंदर उसको व्यवस्था देनी है, किसी कमरे में बंद नहीं करना व्यक्ति को। तो विधु यमानसान दोषान, मन के दोषों को दूर कर दो, हटा दो, और उसके बाद इस कुटी में प्रवेश करो। मैत्रीं भूतेषु चिंतयन, और कैसे प्रवेश करो, समस्त प्राणी मात्र में मैत्रीं चिंतयन, मैत्री को चिंता, मैत्री को सोच करके। ये नहीं कि हम प्रवेश करें और हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति राग है, नहीं, हमारे मन को हमें इस तरीके से साधना है कि मैत्री पर बनना है। प्रत्येक प्राणी के लिए उत्तम भाव को मन में रख करके हमें उस कुटी में प्रवेश करना है, तभी उस रसायन सेवन का सर्वोत्तम फल हमें मिलेगा 100 वर्ष तक जीवित रहने का, या हो सकता है उसके आगे भी। तो विदु यमानसान दोषान मैत्रीं भूतेषु चिंतयन देवतः पूजयित्वाग्रे, और जब हम प्रवेश करते हैं तो हम कुछ उत्तम पूजा कार्य करते हैं, तो ये कहते हैं देवताओं का पूजन करो पहले, द्विजातींश्च, और द्विजातियों का, ब्राह्मणों का पूजन करो। ब्राह्मण कैसे, विशेष करके वेद विद्या जानने वाले ब्राह्मणों का या लोगों का पूजन करो। प्रदक्षिणम, और प्रदक्षिणम का अर्थ यहाँ टीका में, प्रदक्षिणम शब्द एक विशेष शब्द है कि परिक्रमा करते हुए दाई ओर से, इस प्रकार से हमें उसके अंदर जो है प्रवेश करना है। तो देवताओं का पूजन करना है, द्विजातियों का पूजन करना है, देव गो ब्राह्मणान, और कृत्वा, हाँ, प्रदक्षिणम शब्द देव गो ब्राह्मणान के साथ जुड़ेगा, यानी परिक्रमा किसकी करनी है, देवता, गाय और ब्राह्मण। देव आदि स्थल कोई वहां पर होगा, गायों की परिक्रमा भी हम कर सकते हैं और ब्राह्मणों की, तो इनकी परिक्रमा करने के उपरांत, कृत्वा करने के उपरांत, ततः ताम प्रविशेत कुटीम, उस कुटी में प्रवेश करें, और उस कुटी में प्रवेश करने के उपरांत तस्याम संशोधन ही शुद्ध, सबसे पहले संशोधन करे वैद्य उनके शरीर का,
और सुखी जब वो व्यक्ति हो जाए, फिर से उसके शरीर में बल आ जाए, तब रसायनम प्रयुंजित, तब रसायन का प्रयोग करे। तो ये जो शोधन करना है ये कैसे करना है, तो कहते हैं तत्प्रवक्ष्यामि शोधनम, उस शोधन को अब मैं आगे बतलाऊंगा। तो यानी सबसे पहले हमें कुटी में, कुटी बनानी कैसे है वो बताया, कुटी में प्रवेश कैसे करना है वो बताया, और अंत में ये बताया कि कुटी में प्रवेश करने के उपरांत सबसे पहले शरीर का शोधन करो। तो 15-20 दिन, एक महीना केवल शरीर की शुद्धि में लगेगा हमें। तो धैर्य के साथ आए ये पेशेंट, तभी इस विधि का फायदा होगा, कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन सेवन का फायदा होगा। तो वो संशोधन एक विशेष प्रकार का संशोधन होगा जो कि आचार्य हमें बताएंगे, उसका पाठ हम कल करेंगे। तो आज का ये पाठ मुझे लगता है काफी अच्छा था, बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें शास्त्र ने हमें बताई। यदि आप में से कोई इस पाठ को करना चाहे, या इस सेशन को लेके कुछ आपके सुझाव हो, कुछ बताना चाहें, कैसा लगा आपको ये सेशन, काफी लोग अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीएचयू से। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर नीरू नथानी सर। मैम मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका, कृपया हमारा उत्साह वर्धन करें सर। डॉक्टर मलिका चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भगवान दास कुंडवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जेआरपी अरोड़ा जी जुड़े हैं, डॉक्टर गीता बेनीवाल जी जुड़े हैं, शंकर वैश्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वीएम महाजन जुड़े हुए हैं। कोई भी आपके सुझाव हैं, आप इस पाठ को लेकर के, इस सत्र को लेकर के कुछ बोलना चाहें, पाठ करना चाहें, तो कृपया अनम्यूट कीजिए खुद को और बताइए हमें जरूर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी डॉक्टर। ये जो पाठ है आपका, ये काफी अच्छा है सभी स्टूडेंट्स के लिए भी, और इवन पुराने वैद्यों के लिए भी, क्योंकि रूटीन में जो प्रैक्टिस करते हैं वो चीजें भूल जाते हैं। बट ना खुद ना पढ़ के अगर पाठ कर रहे हैं और उसको केवल सुन भी रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारा रिवीजन हो जाता है। और जब तक चरक के डीप में हम नहीं जाएंगे, तब तक आयुर्वेद को हम नहीं कर सकते बाहर बैठकर। जी, तो ये पार्ट बहुत अप्रिशिएबल, दिस इज एब्सोल्युटली अप्रिशिएबल है। और आयुष दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आयुष दर्पण ने बहुत अच्छा काम किया है वापस से सारा आयुर्वेद रिवाइज करने के लिए, हमारा भी, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारी चीजें एलोपैथ में जो है ट्रांसफर हो गए थे, और वापस आयुष दर्पण के माध्यम से वापस पूरी तरह से आयुर्वेद में आ गए हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और बिल्कुल आपने सही कहा, संगीता को तो सुनने मात्र से ही हमें, मतलब श्लोक पाठ हम करते हैं तो सुनने से ही बहुत अच्छी पॉजिटिविटी शायद आती है, और एक प्रेरणा मिलती है दिन भर कुछ अच्छा करने की। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, और दोबारा से वापस मैंने आज ज्वाइन किया काफी लंबे समय के बाद आयुष दर्पण को, और बहुत अच्छा लगा कि ये मैं रेगुलरली मैं आप लोगों से जुड़ी रहूंगी। जी, हम भी उम्मीद करेंगे आप निरंतर आएंगे और उत्साहवर्धन हमेशा करते रहेंगे, हमारा परिवार यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद जी। और हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, कृपया बताइए आपको सेशन कैसा लगा। हेलो जी सर, नमस्ते सर। सुनाता मैम, सभी जनों को नमस्कार मैम। आज शायद है जो मंद बुद्धि व्यक्ति है, 9 बजे डिस्कस करेंगे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ मैम, आज ना मंद बुद्धि व्यक्ति है, 9 बजे डिस्कस करेंगे। 9 बजे कोई डिस्कशन है सर, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, केस डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, शाम को। हाँ जी, शाम को 9 बजे, अगर आज केस आ जाता है तो, आज का टाइम दिया हुआ है, आ जाता है तो डिस्कस करते हैं प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका इंतजार रहेगा 9 बजे के सेशन में। तो 9 बजे वाला सेशन जो है वो भी हमारा नित्य प्रति होता है, उसमें भी आप कृपया जुड़िए। जो भी हमारे केसेस है, कुछ आपके केसेस हो सकते हैं, कुछ मेरी तरफ से हो सकते हैं, तो हम परस्पर इनको चर्चा करेंगे और कुछ नई नई व्याधियों को सीखने की कोशिश करेंगे। जी, राजकुमार जी का मैसेज आया, अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।
नित्य प्रति हम ये पाठ करते रहेंगे। कल फिर से हम जुड़ेंगे इसी सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं आयुष दर्पण से, तो कृपया गूगल फॉर्म को जरूर भरें, और उम्मीद करते हैं हम कि आप सभी डेली इस सत्र से जुड़ेंगे और इसको आनंद लेंगे इस सत्र का, और भी अपने साथियों को अधिक से अधिक इसकी जानकारी देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार। कल मिलते हैं शाम को 9 बजे के सत्र में भी जरूर जुड़े, और कल फिर से मिलते हैं हम इसी पाठ को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।